आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज की स्त्री रोग विभाग की पीजी की छात्रा योग्यता गौतम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद डॉक्टर के शव को डौकी क्षेत्र के गांव बमरौली में सुमसान इलाके में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि 26 वर्षीय योग्यता गौतम दिल्ली के शिवपुरी कॉलोनी की रहने वाली थी। उन्होंने वर्ष 2009 में मुरादाबाद के तीर्थकर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था। 3 साल पहले योग्यता ने आगरा SN मेडिकल कॉलेज में पीजी में एडमिशन लिया। वो नूरी गेट स्थित लेडी लॉयल अस्पताल के सामने राहुल गोयल के मकान में किराए पर रहती थी। बुधवार सुबह तकरीबन 4:30 बजे डौकी थाना क्षेत्र के गांव बमरौली में सुमसान रास्ते पर उनकी लाश मिली। परिवार के लोगों ने बताया कि तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज में 1 साल सीनियर विवेक तिवारी से योग्यता की बातचीत होती थी। वो उरई में मेडिकल ऑफिसर है और वो काफी समय से योग्यता को धमका रहा था, साथ ही वो उस पर शादी का दबाव बना रहा था। योग्यता ने उससे बात करना बंद कर दिया था। ऐड करना चाहता हूँ कि जब पूरी रात मेरी बहन नहीं मिली तो हम सुबह उसके HOD के मैडम के पास गए, जिनका नाम डॉक्टर सरोज है, और हमसे और मैडम से हमने आग्रह किया, रिक्वेस्ट करी कि मैडम वो ड्यूटी पे हैं लेकिन है नहीं, कृपया आप हमारा साथ दें और FIR करवाने में हमारा साथ दें। लेकिन डॉक्टर सरोज सिंह ने सिरे से इनकार कर दिया कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। उसकी PG कंप्लीट हो गई थी, उसकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई थी 3 बजे। 3 बजे के बाद वो कहाँ जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। एंड शी और उसके बाद उसने कहा कि प्रिंसिपल के पास जाओ, मेरे पास मत रहो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब एक जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट 3 साल तक जो अब यहाँ पे सेवाएं दे रहा है, 48 घंटे काम कर रहा है, और जस्ट उसके एग्जाम हो गए तो उसकी जिंदगी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है HOD की या किसी भी कंसल्टेंट की, जबकि उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। आज भी उसकी ड्यूटी थी, परसों भी उसकी ड्यूटी थी। इवन आफ्टर क्लियरिंग द पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम शी वॉज कंटिन्यूइंग विद हर ड्यूटीज विद द कोविड पेशेंट। बेटी ने 1-2 बार मुझे बताया था ये विवेक तिवारी है, डॉक्टर विवेक तिवारी, ये इनका पहले जहाँ से इन्होंने MBBS की थी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, क्या कहते हैं, मुरादाबाद में, वो 1 साल सीनियर था। अच्छा। और 1 साल सीनियर था, ये बार बार इसको टॉर्चर किया करता था। अच्छा। इसको टॉर्चर करने का केवल एक ही उद्देश्य था, तुम इससे शादी कर लो, और ये मना कर देती शादी के लिए कि शादी मैं नहीं करूँगी। और इवन देन इसने पहले भी 1-2 बार करने की कोशिश की, और इसको गुमराह करने की कोशिश भी की 1-2 बार इसने। और इसके बाद और अभी जब योगा पूरा हो गया तो कल मेरी बेटी ने, मैं मेरे बेटा को फ़ोन किया, मैं फ़ोन करके बताया कि वो बार बार मुझे टॉर्चर कर रहा है, तो ये तुरंत जो है गाड़ी लेकर के यहाँ आए, और उससे पहले ही ये थोड़ा ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, वो नहीं थोड़ा लेट हो गए, और वो यहाँ से CCTV फुटेज से पता चला है कि 7:40 पर यहाँ से वो निकल गई। निकलते समय में मुझे पूरा विश्वास है उसने इसको ब्लैकमेल किया होगा, जरूर उसी ने हत्या की है, उसी ने विवेक तिवारी ने हत्या की। और वो यहाँ पर वो क्या कहते हैं टाटा नेक्सन की गाड़ी लेकर के आया था, और वो लेडी लॉयल के सामने उसने खड़ी की है, और यहाँ बिल्कुल CCTV फुटेज में बिल्कुल क्लियर आ रहा है। और उसके बाद इस बच्ची को ब्लैकमेल करके उसने वहाँ बुलाया, और बुला करके उसको खींच लिया, ऐसा पता चल रहा है CCTV से कि जैसे विंडो खुली उसको खींच लिया और खींच करके उसको ले गया, और उसने जाके इसका मर्डर कर दिया। ऐसे को कठोर से कठोर जो हो सकती है ऐसी सजा दी जाए, जिससे कि दूसरे लोगों को ऐसा सबक मिले, दूसरा सबक मिले कि कोई ऐसा काम कर दे जघन्य अपराध करने से पहले एक बार सोचे। योग्यता की शिनाख्त होने पर मृतका के भाई मोहिंदर कुमार गौतम ने उरई में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक तिवारी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया। इससे पहले थाना डौकी में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने CCTV फुटेज के आधार पर देर रात आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया। आज सुबह थाना MM गेट में डॉक्टर योग्यता गौतम, जो SN मेडिकल कॉलेज में MD कर रही हैं, उनके भाई और पेरेंट्स ने आकर यह सूचना दी है कि वो कल शाम से अपने घर पर नहीं है और उनका फोन ऑफ है, जिसके संबंध में दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके परिजनों द्वारा ये बताया गया कि उनके साथ पढ़े हुए लड़के डॉक्टर विवेक तिवारी, जो आजकल जालौन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके द्वारा बार बार फोन करना, परेशान करना और धमकी भी दी जाती रही है।
इसके अतिरिक्त आज सुबह थाना डॉकी क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी तत्काल पुलिस टीम ने शिनाख्त कराते हुए पहचान कराया और वो डेड बॉडी डॉक्टर योगिता गौतम की थी। हमारी दोनों टीमों ने मिलकर जालौन पुलिस से टाई अप करते हुए आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। वहीं पूछताछ के बाद आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी ने भी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके कबूलनामे का वीडियो भी सामने आया है। उसने पुलिस को बताया कि मैं योगिता से शादी करना चाहता था, मगर योगिता जल्दी शादी करने को कह रही थी। आरोपी ने उससे कहा था कि बहन की शादी के बाद वो शादी कर लेगा, इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया। दरअसल डॉक्टर योगिता गौतम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि उसने जान बचाने के लिए संघर्ष किया था। उसकी नाक, हाथों पर नाखूनों के निशान हैं, हाथ में टूटे हुए बाल थे, नाखूनों में भी कुछ फंसा था। इन सब से ये पता चलता है कि उसने बचने की कोशिश की थी लेकिन बच नहीं पाई। इसके बाद आरोपी ने शव को बमरौली गांव के सुनसान इलाके में फेंक दिया। घटनास्थल पर संघर्ष के निशान नहीं थे, जिस जगह सब फेंका गया वहां आगे का रास्ता बंद था। आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।